बाबा के पास पहुंचने से पहले स्नान करना पड़ता है, जैसे कि इसके पास से एक बहुत ही छोटी सी नदी बहती है जिसके पानी बहुत ही ठंडा है, और इसमें स्नान करने के बाद इतना सुकून मिलता है। तो पहले बाबा के पास पहुंचने से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं पूरी तरह से, और यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रहा है, समझिए कि इसका आधा भीड़ चला गया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग भीड़ लगता है, जैसे कि सभी श्रद्धालु जो हैं स्नान करने लगे हुए हैं, और इसके बाद जो है सब कोई दर्शन हो जाए। लोग ये भी दर्शन किए नहीं है, इनका दर्शन जो है आगे बोले ना देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग कर पाते हैं। इतना तो इस पर बहुत ऊँचाइयों पर है, हर एक हम लोग सीढ़ियों से चलते हुए उनके पास पहुँचेंगे, जिस तरह से आपको दिखाएंगे कि हम लोग किस तरह से सीढ़ी पे पार करते हैं और किस तरह से हम लोग पहुँच पाते हैं। जैसे कि हमारा सभी कोई यहाँ पे स्नान कर रहा है, और स्नान करने के बाद यहाँ से जल लेंगे। जल ले करके हम लोग चलने वाले हैं बाबा से मिलने के लिए। देखना यह है कि बाबा जो है हम लोग को किस रूप में मिलते हैं, है ना। तब तक इनके जो है अगल बगल हम लोग के चलने के साथ साथ रास्ते में जो कुछ भी आपको कुछ अच्छा मिलता है तो हमको दिखाते हैं, और देखते रहिए कि आगे आगे मिलता है। अरे जब नाम उठाई रही तो पहले लोग पैदल बहुत है, इतना बड़ा पेड़ बड़का नहीं है, लंबा है। अरे सॉरी गलती हो गया, बहुत लंबा है। तो ये देखिए कितना बड़का पेड़ है, सॉरी फिर लंबा मोटा तगड़ा सखू है ना, देखो कितना लंबा बा ये। अरे यार दिखत नहीं है इतना लंबा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग कितनी लंबी दूरी से तय कर रहे हैं, और अभी तक जो है बाबा का मंदिर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन लगता है कि अब हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं और अब बाबा का दर्शन होगा ही। जैसे कि आप भी देखते रहिए, ये है भाटा बाबा का प्रवेश द्वार जहाँ से हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। बोले बाबा, यहाँ से हम लोग जो है भाटा बाबा के पास जाने वाले हैं, और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।